सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहता हूँ कि अनलॉक जरूर शुरू हो गया है, लेकिन हर एक को सावधानी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि बीमारी कम हुई है, बीमारी ख़त्म नहीं हुई है। तो जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है वो हो, लेकिन बड़े सावधानी के साथ। जहाँ तक दिल्ली पुलिस का सवाल है, आपने देखा है कि यातायात में कोई अवधान ना हो तो हमने बैरिकेड्स को एक साइड में कर लिया ताकि यातायात चल सके। बाज़ार में या जहाँ भी भीड़ होती है तो वहाँ पहले से ही हमने ये प्रैक्टिस किया है कि किस प्रकार से फिज़िकल डिस्टेंस बनाए के रखें ताकि लोग भीड़ ना हो जाए। हमने जो शॉपकीपर्स है उन पे भी जिम्मेवारी डाली है, जो मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन है उन पे भी जिम्मेवारी डाली है कि वे भी सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें। जहाँ तक मास्क का सवाल है, सभी कोई मास्क पहनेंगे, और जो मास्क नहीं पहनते हैं तो उनको 2000 का जुर्माना होगा, ये उनको ये बात को समझना चाहिए। सर, लास्ट टाइम हमने देखा था कि किस तरह से दिल्ली पुलिस ने चालान किए थे, उसके बाद फिर दिल्ली पुलिस ने फूल भी बांटे ताकि लोग जो है वो समझ सके, तो इस बार किस तरह से दिल्ली पुलिस लोगों को समझाने की कोशिश करेगी जो रूल ब्रेक करते हैं? देखिए, हमें किसी का चालान करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि दिल्ली के शहरवासी जो हैं वो स्वस्थ रहें, बीमार से पीड़ित न रहें। हमने हाल में ही देखा है कि किस प्रकार से अस्पताल में जगह नहीं मिल रही थी, तो वो स्थिति ना उत्पन्न हो, सभी कोई स्वस्थ रहे और अपने जो कामकाज है वो कामकाज कर सके।